मुंबई के एक फल विक्रेता मेवालाल सिंह को यूपी के प्रतापगढ़ में अपने घर में सोते समय अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी। सौभाग्य से फल विक्रेता घायल नहीं हुआ था। हालांकि सिंह परिवार का आरोप है कि घटना को 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेवालाल सिंह मुंबई में फल बेचने का कारोबार करते हैं। फिलहाल वो अपने पैतृक गाँव बरचोली प्रतापगढ़ यूपी चले गए। 18 अक्टूबर की रात जब वो अपने घर में सो रहे थे तभी अज्ञात लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की। गनीमत रही कि मेवालाल सिंह बच गए। आरोपी की ओर से चलाई गई गोलियां दूसरों तरफ चली गई। उन्होंने घटना की प्राथमिकी आसपुर देवसारा थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हालांकि घटना को 15 दिन बीत जाने के बाद भी सिंह परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा कोई जाँच नहीं की जा रही है। जो घटना हुई वो गंभीर है और इसकी जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करना जरूरी है। बेटे ने बताया कि मेरे पिता पर हमले के 15 दिन हो चुके हैं और अभी भी पुलिस द्वारा किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुझे इस मामले में पुलिस की भूमिका पर संदेह है। हमने पुलिस को दो आरोपियों के नाम दिए हैं लेकिन मैं करता हूँ, समझ नहीं आ रहा था पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार क्यों नहीं किया। तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मेवा सिंह के बेटे महेंद्र सिंह चौहान ने अपील की कि अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने अनशन करेंगे। सबका नाम महेंद्र मेवा सिंह चौहान। चौहान जी, क्या बोलेंगे, आपके पापा के साथ में क्या वारदात हुई और कभी हुई और इस बारे में पुलिस का क्या रोल है अभी तक का? 19 अक्टूबर को पापा के ऊपर फायरिंग हुआ। सोते समय 2 राउंड फायर हुआ उनके ऊपर। उसके बाद में हमने पुलिस को वहाँ पे बुलाया, उन्होंने जांच वगैरह किया, FIR लिखाया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब हम लोग हैं यहाँ से बिजनेसमैन है, यहाँ से जाते गांव में थोड़ा इन्वेस्ट करते, खेत वगैरह में सब इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग जलन रखते हैं। अगर हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर वहाँ पे हम जाएंगे ही क्यों? हम लोग इतना ऊपर के सोचते थे कि योगी के राज में सब सही हो गया है, लेकिन अभी मेरा योगी जी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस मामले में थोड़ा हमारी हेल्प कीजिए। पुलिस तो कोई वो ले नहीं रहा है, 10-15 दिन हम लोग वेट ही कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं। हमने 2 जन का नाम भी उधर पे नामजद कराया है लेकिन उनका कोई रिएक्शन नहीं। क्या नाम उनका? एक बबलू चौहान और अजय चौहान। और कौन से पुलिस स्टेशन की और कौन से जिले की घटना है ये? आसपुर देवसरा थाना, जिला प्रतापगढ़, तहसील पट्टी, गाँव बरचौली। क्या मांगेंगे आपसे मोदी जी से? योगी जी से क्या मांगा आपने? योगी जी से मांग यही है कि मतलब जो भी है एकदम जांच करवाए, थोड़ा प्रशासन को बोले कि हमारी जिस तरह से हेल्प कर सकते हेल्प करे। बाकी हमको ये नहीं कि जो भी है गुनहगार है, जिसने हम पे किया है क्या दोबारा भी कर सकता है, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित है, एकदम डरे हुए है। अभी उनसे निवेदन यही है कि मतलब जो भी है थोड़ा एक्शन वगैरह करिए, क्योंकि अभी तक तो कोई एक्शन या कोई जांच का कुछ पता नहीं चल रहा। खाली ये कह रहे हैं कि हाँ जांच चालू है, लेकिन वहाँ से हमको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही।